द्विघात समीकरण का सारे फैक्टर्स वगैरह के तरीके हमने सब आपको बता चुका था मैं आपको, और अब एनसीईआरटी क्लास 10th का जब हम एक्सरसाइज 4.1 को खोलेंगे तो विद द हेल्प ऑफ माय लेक्चर वी कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस को आप जब पढ़ेंगे तो यू कैन सॉल्व इट। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन में फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट वन का थर्ड पार्ट है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू जीरो, कह रहा है फाइंड रूट्स। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट भी, इसको भी हम लिख लेते हैं ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू जीरो। इन दोनों को हम ध्यान से देखते हैं, इसके फैक्टर करने का तरीका हमने बताया था, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 5√2 इंटू रूट टू, 5 × 2 = 10 10 हो गया। 10 का ऐसा फैक्टर यहाँ प्लस है कि प्लस करने पर 7 मिले, तो 5 × 5 = 10 5 × 2 = 10 यहाँ से हो जाएगा √2 x² प्लस 7 की जगह पर हम लिखेंगे 5 + 2√x + x इंटू 5√2 इक्वल टू क्या 0। यहाँ से √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या 0। यहाँ से देखिए ध्यान से x हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस 5 प्लस जो यहाँ बचता है वही यहाँ भी बचता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ 5 भर बचा है, यहाँ भी 5 है तो √2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर √2x प्लस 5 फिर x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से √2 इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5 अपॉन क्या √2। ऑन द सेकेंड हैंड x प्लस 2√2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस √2। तो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज माइनस 5 अपॉन √2 एंड माइनस √2। दिस इज आवर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर वन के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है, लिख लेते हैं इसको 2x² इतना था माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। इसकी कंपेरिजन हम कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, a इक्वल टू 16, b इक्वल टू माइनस 8 एंड c इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू सिद्धराचार्य मेथड x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपन क्या 2a। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस बी 8 प्लस माइनस अंडर रूट b² माने 8 × 64 माइनस 4 इंटू क्या 4 × 16 क्या क्या रहा है ये 4a इंटू 1 अपान क्या 2a। x बराबर 8 प्लस माइनस 2a, 2a का मतलब 2 इंटू a माने 16, तो 8 प्लस माइनस हो जाएगा
64 माइनस 64 जीरो, ये जीरो हो जाएगा। माइनस 8 अपान क्या 2 इंटू 16, 8 टू जा 8 दूना 16 है का 1, माइनस 1 बाई 4। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। इसके दोनों वैल्यू क्या होंगे, दोनों वैल्यू इसके बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू एक जीरो के इक्वल होती है, तो हम कह देते हैं कि उसके जो मान होंगे वो दोनों मान बराबर होंगे। तो यहाँ चलेंगे बी स्क्वायर माने 64 माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1 बराबर जीरो, देखिए जीरो आ गया, इसलिए दोनों मूल उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन तीन पर चलते हैं। कह रहे ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो, लेकिन लेट द टू नंबर विल बी एक्स एंड वाई। मान लिया दो नंबर एक्स एंड वाई होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। कह रहे हैं जिनका योग 27 हो, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या 27, और इनका गुणनफल यानी एक्स वाई इक्वल टू 182। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी नंबर, क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 27 दिया हुआ है और एक्स वाई इक्वल टू 18 है। अगर हमको किसी तरह से हम x माइनस वाई की वैल्यू को निकाल लें फाइंड कर लें, तो यह एक तरह से लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, और लीनियर इक्वेशन के माध्यम से हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक फार्मूला होता है ये मिलेगा आपको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल माइनस 2xy आएगा माइनस 4xy, ये फार्मूला है। यहाँ से 27 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या एक्स वाई की इक्वल टू 127, 27 का स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, 749 के 9 4, 7 दो 14 4 18, 2 7 14 4, 2 दो 4 1 5, 9 8 4 12, 729, ये हो गया 729 माइनस 4 दो 8, 4 बटे 32 के 2 3, 4 एक इतना इक्वल टू क्या 1। यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला, तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा। अब नाउ x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 27, और यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू पहले 1 ले लीजिए, 1 मिली, ये दोनों कट गया, 2x इक्वल टू 28, x इक्वल टू 14 मिल गया। फिर y इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 13। अगर फिर अगेन x प्लस वाई इक्वल टू 27, फिर यहाँ लीजिए x माइनस इक्वल टू, अगर माइनस 1 ले लिया जाए तो कट जाएगा 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 13, तो y इक्वल टू 14, ये दोनों नंबर हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर फोर भी लगा लेंगे आप, मैं 5 देखता हूँ, 5 के बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ, ये समकोण त्रिभुज हमने लिया ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। अगर इसका आधार x है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, आधार अगर x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 7। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण की वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। देखते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मीन्स
13 का स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। हल करते हैं, इसका स्क्वायर 169 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 × 14 एक्स प्लस क्या एक्स स्क्वायर, ये 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हुआ 2x स्क्वायर, सही है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 × 14 एक्स, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 लिख लिया मैंने, इसको उधर कर लिया, अभी मत करिए, प्लस 49 हो गया, इसको उधर कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 20 बचेगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस क्या 120 इक्वल टू क्या 0। दो से डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये तो मिल गया, इसी का फैक्टर करने के बाद हमको वैल्यू मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 का ऐसा फैक्टर कि घटाने पर आपको क्या 7 मिल जाए, ऐसा फैक्टर 12 माइनस 5 हो जाएगा, इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, हमने 7 की जगह पर 12 माइनस 5 लिख दिया, अब आइए माइनस 12x, इस माइनस में तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लीजिए, x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू क्या 0, यहाँ से एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 12 मिलेगा, और x इक्वल टू 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 5 मिलेगा। ये माइनस वैल्यू हम लेंगे नहीं, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं कभी माइनस में नहीं होती, तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा, इसके आधार पर आधार क्या हो जाएगा 12, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई आधार से 7 कम है तो 5 हो जाएगी, और देखिए 12 की स्क्वायर और ये 169 13 कार्ड आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन इज वेरी करेक्ट।